भगवान जगन्नाथ की आस्था में नहाए ओडिशा को विकास की गंगा में नहलाने का प्रण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। उस प्रण को परिणाम तक पहुंचाने के लिए माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी लगातार सार्थक प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में ओडिशा के लिए 6,600 करोड़ रुपए से अधिक लागत से गुणवत्ता युक्त 28 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन माननीय मंत्री श्री गडकरी जी के शुभ कर कमलों से होने जा रहा है। जिन दो परियोजनाओं को ओडिशा के लोगों के हितार्थ लोकार्पित किया जा रहा है, उनमें NH 49 पर बहरागोड़ा से सिंगरा के बीच 4 लेन वाली 79 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 1203 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। वहीं 2035 करोड़ रुपए की लागत से NH 16 पर चंडी खोल से भद्दक के बीच 6 लेन वाली 78 किलोमीटर लंबी सड़क का भी लोकार्पण होने जा रहा है। ओडिशा को विकास की नई रफ्तार देने के उद्देश्य से 26 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का भूमि पूजन भी माननीय मंत्री जी के हाथों से होने जा रहा है। इनमें 500 करोड़ रुपए की लागत से NH 55 पर कंदरपुर बलीकुड़ा खंड का चौड़ीकरण, 512 करोड़ रुपए की लागत से NH 55 पर बालीकुड़ा मुलाकानी खंड का चौड़ीकरण, 250 करोड़ की लागत से छत्रपुर से गोपालपुर बंदरगाह तक 6.47 किलोमीटर रोड, 203 करोड़ रुपए की लागत से NH 49 पर बहरागोड़ा सिंगरा खंड में 8 EUP 3 VUP LVUP PUP का निर्माण, 300 करोड़ रुपए की लागत से NH 57 पर नयागढ़ टाउन बाईपास, 138 करोड़ रुपए की लागत से NH 316 पर पूरी कोणार्क रोड पर मटियापाड़ा में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण, 157 करोड़ रुपए की लागत से NH 57 पर खोरधा टाउन बाईपास का निर्माण, 135 करोड़ की लागत से NH 26 पर जयपुर टाउन बाईपास का निर्माण, 156 करोड़ रुपए की लागत से NH 57 पर दासपल्ला टाउन बाईपास का निर्माण, 169 करोड़ रुपए की लागत से NH 26 पर नबरंगपुर टाउन बाईपास का निर्माण, 324 करोड़ रुपए की लागत से NH 326 पर रायगढ़ा और जेकेपुर टाउन बाईपास का निर्माण, 199 करोड़ रुपए की लागत से NH 20 पर माधोपुर बड़ा बंता खंड में प्रमुख पुल का निर्माण और 186.52 करोड़ रुपए की लागत से NH 326 पर धोगांव पोदामारी खंड का चौड़ीकरण शामिल है। इनके अलावा 13 अन्य परियोजनाओं पर भी काम शुरू होने जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से ओडिशा के आर्थिक विकास को तेज रफ्तार मिलेगी, साथ ही जगन्नाथ धाम और कोणार्क मंदिर का दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और तय समय के भीतर हो जाएगी। इनके अलावा ओडिशा की दूसरे राज्यों से कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। माननीय मंत्री श्री गडकरी जी के प्रयासों से आज केवल सड़क निर्माण ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण भी हो रहा है और ओडिशा उस राष्ट्र निर्माण में अहम भागीदारी निभा रहा है।